गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज अपन देखने वाले हैं लीनियर इक्वेशन के अंदर एक और मेथड, एक और एक्सरसाइज भी अपन करेंगे, एक्सरसाइज 3.4। लास्ट क्लास के अंदर अपन ने एक्सरसाइज 3.3 देखी थी और एक मेथड देखा था सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिससे अपन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालते थे। तो आज भी अपन वही करेंगे, दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, बट आज अपन इसे एलिमिनेशन मेथड से देखेंगे। तो समझते हैं एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। देखिए, एलिमिनेशन नाम से अपने को पता पड़ रहा है कि यहाँ पे आपको किसी चीज को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो अपन इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने दो इक्वेशन लिख रखी है, 9x-4y = 2000 and 7x-3y = 2000। इससे मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए, अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन या तो x को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे या फिर आप y को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे अपन, आपको या तो x के जो कोएफिशिएंट हैं इन्हें बराबर करना है या फिर आप y के जो कोएफिशिएंट हैं उन्हें आप बराबर करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, क्योंकि यहाँ पे y के जो टर्म्स हैं वो इजी लिखे हुए हैं, जैसे -4 है और यहाँ पे -3 है, तो ये छोटे टर्म्स हैं, इन्हें अपन इजीली इक्वल कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे जो -4 है और -3 है, 4 और 3 का जो एलसीएम होता है वो क्या होता है, 12। तो अपन 4 को 12 कैसे बना सकते हैं, इसे अपन 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 से ओनली इसे मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको पूरी इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और वैसे ही यहाँ पे 3 है, इसे अपन 12 कैसे बना सकते हैं, इसे अपन 4 से मल्टीप्लाई करके 12 बना सकते हैं। तो पूरी जो इक्वेशन है उसे अपन क्या कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे अपने पास में दो नई इक्वेशन आ जाएगी। देखिए क्या आ जाएगी, 9 × 3 हो जाएगा 27x, देन 4 × 3 हो जाएगा माइनस का 12y = 2000 × 3 हो जाएगा 6000। और यहाँ पे देखिए, 4 × 7 यहाँ पे हो जाएगा 28x, यहाँ पे 3 × 4 यहाँ पे 12y, और यहाँ पे 2000 × 4 = 8000 आ जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे y के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो बराबर आ चुके हैं। तो अब अपन क्या कर सकते हैं, इन दो इक्वेशन को अपन सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ध्यान आपको ये रखना है कि जब दोनों के जो साइन हैं वो इक्वल होते हैं, मतलब दोनों के जो साइन हैं वो सेम होते हैं, तब आपको क्या करना है, सभी नीचे वाले टर्म्स के साइन को चेंज करना पड़ेगा। और जब दोनों के जो साइन हैं वो यदि अलग अलग हैं तो आप बिना चेंज करे ही डायरेक्टली दोनों को प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि साइन सेम है इसलिए सभी के साइन आपको चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि 28 प्लस में था इसलिए मैंने इसको माइनस में कर दिया। यहां पे देखिए माइनस में है तो इसे मैंने क्या करूंगा, प्लस में कर दूंगा। यहां पे ये प्लस में है तो इसे मैं क्या करूंगा, माइनस में कर दूंगा। अब आपको क्या करना है, इन्हें नॉर्मली ऐड कर देना है। तो देखिए, यहां पे 27x प्लस में है और 28x माइनस में है, तो उस हिसाब से यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस का x आ जाएगा। यहां पे देखिए -12y, यहां पे +12y, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। ध्यान रखना है कि आपको इस माइनस को अब बिल्कुल इग्नोर कर देना है, इसका जो नया साइन है वो अब क्या हो चुका है, प्लस में हो चुका है। और इक्वल्स टू यहां पे देखिए 6000 और माइनस का 8000, इससे आ जाएगा माइनस का 2000। इससे देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x की वैल्यू कितनी निकल गई, यहां पे 2000 निकल गई। अब आप इजीली क्या कर सकते हैं, इनमें से किसी भी इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू 2000 पुट कर सकते हैं और उससे y की वैल्यू निकल जाएगी। तो मैं यहां पे इस वाली इक्वेशन के अंदर इससे वैल्यू पुट कर रहा हूं। देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, 7x-3y = 2000। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 7x की वैल्यू 2000 पुट कर देता हूँ, -3y = 2000। और यहाँ पे देखिए 7 × 2000 कितना हो जाएगा, 14000, -3y = 2000, -3y = 2000। और ये 14000 जो है ये इधर साइड में चला जाएगा, तो माइनस में 14000 आ जाएगा। इससे -3y = -12000 आ गया, माइनस से माइनस कैंसल, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12000/3, दैट इज 4000। तो देखिए अपन ने एलिमिनेशन मेथड से किस टाइप से सॉल्व किया, x और y की वैल्यू निकाली। अपन ने पहले यहाँ पे y के जो कोएफिशिएंट्स थे इनको पहले इक्वल किया। आप यहाँ पे x के कोएफिशिएंट्स को भी इक्वल कर सकते थे, बट जो छोटी वैल्यू दिखती है उसे अपन इक्वल इजीली कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे छोटी जो वैल्यू थी y के कोएफिशिएंट उनको पहले इक्वल किया। इक्वल करने के लिए आप पूरी इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद में जो नई इक्वेशन आएगी उनके साइन चेंज करने हैं आपको, उसके बाद में आप उसे प्लस कर देंगे। ध्यान ये रखना है साइन चेंज करने में, जब ऑलरेडी साइन दोनों का सेम हो तब आपको साइन चेंज नहीं करना है और डायरेक्टली ऐड कर देना
लेना है, और जब यदि दोनों के साइन सेम हो तब आप क्या करेंगे, दोनों के नीचे वाले जो इक्वेशन है उसके साइन को चेंज करेंगे, उसके बाद में आपको ऐड करना है। इससे आपकी एक वैल्यू निकल जाएगी और उसके बाद में आप नॉर्मली जो वैल्यू निकली है उसे कोई भी इक्वेशन के अंदर पुट कर सकते हैं और उससे आप दूसरी वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये एलिमिनेशन मेथड समझ में आया होगा। इसके बाद अपन देखेंगे एक्सरसाइज 3.4। तो देखिए एक्सरसाइज 3.4 के फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पे आपको दोनों मेथड से इनको सॉल्व करना है। अपन यहाँ पे ओनली एलिमिनेशन मेथड करेंगे, बट ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि चाहे आप एलिमिनेशन मेथड फॉलो करो चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉलो करो, दोनों में जो आंसर आने वाला है, जो एक्स और वाई की वैल्यू निकलेगी, वो दोनों में सेम ही निकलेगी। एलिमिनेशन मेथड सबसे ईजी मेथड होता है इन तीनों मेथड में से। थर्ड मेथड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड भी है, जो अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे। तो चलिए अभी अपन कुछ क्वेश्चंस को करते हैं इनके एलिमिनेशन मेथड से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर यहां पे मैं सेकंड ले लेता हूं। तो देखिए यहां पे दो इक्वेशन दे रखी है, 3x plus 4y equals to 10 and 2x minus 2y equals to 2। तो अपन इसे सॉल्व करते हैं। देखिए मैं यहां पे लिख देता हूं 3x plus 4y is equals to 10 and 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे मैंने दोनों इक्वेशंस को लिख दिया है। अब देखिए मुझे क्या करना है, या तो x के कोएफिशिएंट को इक्वल करना है या y के कोएफिशिएंट को इक्वल करना है। तो देखिए y का यहाँ पे कोएफिशिएंट आ रहा है 4 और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट आ रहा है माइनस 2। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, उससे ये जो वैल्यू है ये 4 हो जाएगी। बस यहाँ पे मुझे ऊपर वाले को किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना है, आप चाहे तो इनटू 1 लिख सकते हैं या फिर आप कुछ भी नहीं लिखें तो भी चल जाएगा। तो ऊपर वाली इक्वेशन सेम की सेम रह जाएगी, 3x plus 4y is equals to 10, और यहाँ पे देखिए नीचे वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2x into 2 यहाँ पे हो जाएगा 4x, माइनस 2 इंटू 2 ये हो जाएगा माइनस का 4y इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 यहाँ पे आ जाएगा 4। अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया है कि जो y के कोएफिशिएंट है वो इक्वल आ चुके हैं, दोनों में 4 आ चुका है, बट दोनों के जो साइन है वो ऑलरेडी क्या है, अलग अलग हैं। जब दोनों के जो साइन है वो पहले से अलग अलग हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्टली ऐड करना है इनको। जब आप ऐड करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, 3x plus 4x यहाँ पे आ जाएगा 7x, ये दोनों डायरेक्ट कट जाएंगे और इक्वल्स टू यहाँ पे 10 plus 4 14 हो जाएगा। इससे आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, 14 upon 7 यहाँ पे वैल्यू x की 2 आ जाएगी। उसके बाद आप कोई भी इक्वेशन आप इसमें 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 और इसमें किसी में भी आप x की वैल्यू पुट कर सकते हैं, उससे आप y की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो अब मैं 2x minus 2y is equals to 2 इस वाले इक्वेशन के अंदर मैं पुट कर रहा हूँ, इसके अंदर 2x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, 2 minus 2y is equals to 2। तो यहाँ से देखिए 4 minus 2y is equals to 2 आ गया है, minus 2y equals to 2 minus 4 और माइनस 2y is equals to minus 2, माइनस से माइनस कैंसिल, y is equals to 2 upon 2 1 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू भी निकाल ली अपने और y की वैल्यू भी अपने निकाल ली। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, दोनों ही मेथड में अपन ने देख लिया कि जब यहाँ पे दोनों साइन अलग अलग होते हैं तब अपन डायरेक्टली प्लस कर देते हैं, और जब यहाँ पे साइन अलग अलग नहीं होते हैं सेम साइन होते हैं तो अपन नीचे वाली पूरी इक्वेशंस के साइन चेंज करते हैं, उसके बाद में इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस इसके जो हैं, बाकी के जो 3 पार्ट हैं इसे आप होमवर्क में करेंगे, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है, x plus y equals to 5 and 2x minus 3y equals to 4, इजी क्वेश्चन है। देन यहाँ पे सेकंड मैंने करवा चुका हूँ, थर्ड और फोर्थ ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। चलिए अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए यहाँ क्या लिखा है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय द एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पे आपको क्या है, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दे रखी है, उन वर्ड प्रॉब्लम से आपको पहले इक्वेशन को फॉर्म करना है, उन इक्वेशंस को बनाना है, उसके बाद में आप उसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे और उससे एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए इसके फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है, If we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1. देखिए इस पैटर्न का क्वेश्चन मैंने एक्सरसाइज 3.3 में भी आपको करवाया था, चलिए एक बार देख लेते हैं इसे। तो देखिए अपन यहाँ पे क्या लेट करेंगे, यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात हो रही है, तो लेट करते हैं, लेट द न्यूमरेटर बी एक्स एंड
डिनोमिनेटर बी वाई, देयरफॉर द फ्रैक्शन इज एक्स अपॉन वाई। तो देखिए अपन ने क्या किया, न्यूमरेटर को एक्स मान लिया, डिनोमिनेटर को वाई मान लिया, उससे अपना जो फ्रैक्शन है वो एक्स अपॉन वाई आ गया। अब इसने बोला है कि इफ वी एड वन टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम द डिनोमिनेटर। देखिए न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला पार्ट हो गया, इसमें अपन वन ऐड करें और डिनोमिनेटर में वन सब्ट्रैक्ट करें तो क्या होता है, तो ये जो फ्रैक्शन है वो बन जाता है वन। यहाँ पे लिखा है अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू वन, इसका मतलब हो गया कि ये जो फ्रैक्शन है ये क्या बन जाता है, वन बन जाता है। तो ये अपने पास में एक फर्स्ट पार्ट हो गया इस क्वेश्चन का। यहाँ पे अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं जिससे अपने को एक इक्वेशन मिल जाएगी। देखिए एक्स प्लस वन, यहाँ पे देखिए इसके नीचे भी वन है तो वन से मल्टीप्लाई होएगा तो सेम आ जाएगा, और इधर भी ये सेम आ जाएगा वाई माइनस वन। अब इसे अपन एक्स और y को इधर लेके आएंगे तो माइनस का y इज इक्वल्स टू माइनस वन इधर से है और इधर का एक माइनस वन और आ जाएगा, तो इससे अपनी जो इक्वेशन है वो बन जाएगी x माइनस y इक्वल्स टू माइनस टू। देन देखिए सेकेंड पार्ट में क्या गिवन है इसके, देखिए लिखा है कि इट बिकम्स हाफ इफ वी ओनली एड वन टू द डिनोमिनेटर। जब अपन डिनोमिनेटर में वन ऐड करते हैं तो वो फ्रैक्शन क्या बन जाता है, हाफ बन जाता है। तो देखिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अब x अपॉन y तो अपने पास में था ही, इसके अंदर न्यूमरेट जो डिनोमिनेटर है उसके अंदर वन जब ऐड करेंगे तो ये फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, हाफ बन जाएगा। तो अब यहाँ पे भी अपन क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। यहाँ से टू इधर x से इंटू होएगा तो 2x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये इससे इधर इंटू होएगा तो y प्लस वन, 2x और y को मैं इधर ले लेता हूँ इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, 1। यहाँ पे देखिए मेरे पास में फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई थी और यहाँ पे मेरी सेकंड इक्वेशन हो गई। इन दोनों इक्वेशंस को अपन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे होएगा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस टू और 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे y के जो कोएफिशिएंट है वो पहले से ही इक्वल आ रहे हैं, तो इसका मतलब अब मुझे किसी को भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या कर लूँगा, क्योंकि दोनों के साइन सेम है इसलिए सभी नीचे वाली इक्वेशन के सभी जो पार्ट हैं उनके मैं क्या करूँगा, साइन चेंज कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने सभी की साइन चेंज कर दिए हैं। अब देखिए x माइनस टू एक्स क्या आ जाएगा, माइनस का x आ जाएगा, यहाँ पे माइनस y है और इधर प्लस y है तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, इज इक्वल्स टू में माइनस टू और माइनस वन माइनस थ्री आ जाएगा। इससे देखिए मैंने x की वैल्यू निकाल ली, x इक्वल्स टू क्या आ गया, 3 आ गया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इस इक्वेशन के अंदर या फिर इस इक्वेशन के अंदर किसी के अंदर भी x की वैल्यू पुट कर सकता हूँ जिससे मेरी y की वैल्यू निकल जाएगी। तो देखिए यहाँ पे कर रहा हूँ मैं सॉल्व, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस टू, मैंने फर्स्ट इक्वेशन ली है जिसमें मैं x की वैल्यू पुट कर देता हूँ 3 माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस टू, यहाँ पे माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस टू और ये 3 उधर जाएगा तो माइनस थ्री, देन y इक्वल्स माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस फाइव, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल्स टू 5। इससे देखिए मेरे पास में जो y की वैल्यू है वो 5 निकल गई है। और जो अपने को फाइनल पूछा था क्वेश्चन में वो था वॉट इज द फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या होएगा, फ्रैक्शन क्योंकि अपन ने क्या माना था, यहाँ पे x अपॉन y माना था, तो अपन यहाँ पे क्या कर देंगे, द फ्रैक्शन विल बी, फ्रैक्शन क्या बन जाएगा अपना, x अपॉन y, x की वैल्यू 3 आ चुकी है तो मैं यहाँ पे ऊपर साइड में लिख दूंगा 3 और y की वैल्यू जो है वो 5 आ चुकी है तो यहाँ पे 5 लिख दूंगा। तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 3 अपॉन 5 मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे अपन, देखिए क्या लिखा हुआ है, 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू, 10 years later नूरी will be twice as old as सोनू, how old are नूरी and सोनू। तो देखिए इस पैटर्न के क्वेश्चन भी अपन ने करे हुए हैं, अपन इसमें क्या करते हैं उनकी प्रेजेंट एज को अपन x और y मान लेते हैं। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, सेकेंड पार्ट है ये, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी x एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू बी y। तो यहाँ पे अपन ने क्या कर लिया, x और y मान लिया इनकी एजेस को। इसके बाद में देखिए क्या लिखा हुआ था, 5 years ago, तो 5 years ago का मतलब हो गया 5 साल पहले, तो पहले इनकी एज क्या होगी, अभी इनकी एज x है और इसकी एज y है तो 5 साल पहले इनकी एज माइनस 5 कर लेते हैं दोनों में से, तो यहाँ पे मैंने दोनों में से माइनस 5 कर लिया। अब लिखा हुआ नूरी वॉज, तो नूरी देखिए ये नूरी की एज है,
वॉज की जगह अपन क्या लिखेंगे, वॉज की जगह अपन इक्वल्स टू लिखते हैं। तो नूरी वॉज यहाँ पे लिखा है थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, तो थ्राइस का मतलब यहाँ पे हो गया आपको थ्री से मल्टीप्लाई करना है, थ्री टाइम्स हो गया यहाँ पे, तो आपको क्या करना है इक्वल्स टू के इस साइड में आपको यहाँ पे थ्री से मल्टीप्लाई करना है। तो इससे अपनी एक इक्वेशन आ जाएगी, देखिए एक्स माइनस फाइव इक्वल्स टू थ्री वाई माइनस फिफ्टीन, यहाँ पे देखिए एक्स माइनस फाइव और ये 3y को अपन क्या कर सकते हैं इधर ले लेते हैं इज इक्वल्स टू माइनस फिफ्टीन और x माइनस थ्री वाई इज इक्वल्स टू माइनस फिफ्टीन और उधर से ये इधर जाएगा तो प्लस में 5 आ जाएगा तो इससे अपने पास में माइनस 10 आ जाएगा। तो ये मेरी क्या हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। सेकंड इक्वेशन देखिए क्या हो जाएगी, यहाँ पे लिखा हुआ है 10 ईयर्स लेटर, 10 ईयर्स लेटर मतलब हो जाएगा 10 साल बाद, तो 10 साल बाद इनकी एज क्या हो जाएगी, अभी एज है x और y तो दोनों में 10 ईयर्स प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पे 10 ईयर्स प्लस कर लिया अपन ने। इसके बाद में लिखा हुआ था यहाँ पे कि नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, तो ट्वाइस का मतलब हो गया दो गुना, तो यहाँ पे अपन क्या कर लेंगे टू टाइम्स हो गया, मतलब टू से अपन इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इससे अपनी सेकंड इक्वेशन भी बन जाएगी x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 2y प्लस 20, तो यहाँ पे x माइनस 2y इज इक्वल्स टू ये 10 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे ये सेकंड इक्वेशन मेरी ये बन जाएगी। अब अपन क्या करेंगे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं और x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए क्या है x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 10 और x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10। तो इन दोनों को अपने को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, देखिए क्योंकि x और x के यहाँ पे दोनों के जो कोएफिशिएंट है वो सेम आ रहे हैं तो आपको किसी से भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों का साइन भी सेम है इसलिए आपको नीचे वाली इक्वेशन के हर पॉइंट हर जो कोएफिशिएंट्स हैं इनके साइन को आपको चेंज करना पड़ेगा और आपको अब प्लस इन्हें प्लस करना है। तो देखिए x और माइनस x ये तो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे माइनस 3y और प्लस 2y इससे यहाँ पे माइनस का y आ जाएगा और यहाँ पे देखिए दोनों माइनस माइनस के हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और माइनस 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं माइनस और माइनस को काट सकता हूँ और यहाँ से y की वैल्यू मेरे पास में 20 निकल गई और इसे मैं इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देता हूँ। देखिए x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 10, x माइनस 3 और y की वैल्यू आई है 20 इज इक्वल्स टू माइनस 10, यहाँ पे x माइनस 60 इज इक्वल्स टू माइनस 10 और x इक्वल्स टू ये माइनस 60 इधर आएगा तो ये प्लस में 60 हो जाएगा और माइनस 10 के साथ प्लस होएगा तो ये 50 आ जाएगा। इससे देखिए x की जो वैल्यू है वो मेरे पास में 50 आ गई है और y की जो वैल्यू है वो 20 आ गई है। x कौन था, x थी एज ऑफ नूरी और y क्या था, y सोनू की एज थी, तो मेरे नूरी की एज जो है वो 50 आ चुकी है और जो सोनू है उसकी एज 20 आ चुकी है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं अपन, यहाँ पे लिखा है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेंड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। देखिए ये जो पैटर्न का क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, इस पैटर्न का क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आता है। देखिए अपन इसे कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए दो डिजिट्स दे रखी है और अपने को वो नंबर फाइंड आउट करना है, तो यदि मैं दो डिजिट्स को यदि फाइंड आउट कर लूँ तो वो नंबर मेरे पास में ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, टेंस प्लेस डिजिट को x मान लेता हूँ और यूनिट्स प्लेस डिजिट को मैं y मान लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, लेट द टेंस प्लेस डिजिट बी x एंड आप इसे वंस भी लिख सकते हैं, वंस प्लेस, या फिर आप इसे यूनिट्स प्लेस भी लिख सकते हैं। तो वंस प्लेस डिजिट बी वाई, तो आपको टेंस प्लेस और यूनिट्स प्लेस ये आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, सपोज 76 एक नंबर है जिसमें 7 क्या होता है ये आपका टेंस प्लेस पे है और 6 क्या है ये आपका यूनिट्स प्लेस पे है या फिर वंस प्लेस पे है। चलिए इसमें देखिए क्या लिखा हुआ था, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 9, तो देखिए इन दो डिजिट का जो सम है वो क्या है 9 दे रखा है। तो डिजिट का मतलब अपने पास में x और y इन दोनों का जो सम है, मतलब x प्लस y इज इक्वल्स टू 9 ये अपने को दे रखा है। तो ये मेरी एक फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकंड पार्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, देखिए डिजिट अलग होती है और नंबर अलग होता है, तो यहाँ पे मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि x और y मेरा नंबर है, नंबर नहीं है ये मेरी डिजिट्स हैं। नंबर कैसे बनेगा, नंबर देखिए कैसे बनेगा, जैसे मैं यहाँ पे 76 को लेता हूँ तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 7 इंटू 10 प्लस
6 कर रहा हूँ। इसका क्या मतलब है, जो टेंथ प्लेस डिजिट है उसे मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ और यूनिट्स प्लेस डिजिट को उसमें ऐड करता हूँ। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, जो मेरा नंबर है, ओरिजिनल नंबर है, वो कैसा हो जाएगा, जो टेंथ प्लेस डिजिट है एक्स, उसे मैं क्या करूँगा, 10 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो इसका मतलब मेरा आ गया 10x। और यूनिट प्लेस डिजिट कौन सी है, ये मेरी वाई है, तो यहाँ पे मैं इसे वाई से प्लस करूँगा। तो ये मेरा जो नंबर है, ये मेरा ओरिजिनल नंबर है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओरिजिनल नंबर, ये मेरा ओरिजिनल नंबर हो गया। और रिवर्स नंबर क्या होएगा, रिवर्स नंबर का मतलब क्या होता है, जैसे कि 76 का रिवर्स क्या हो जाएगा, 67 हो जाएगा। मतलब ये जो डिजिट है ये इधर आ जाएगी और ये वाली डिजिट इधर आ जाएगी। तो उस पैटर्न में यहाँ पे मेरे साथ क्या होएगा, ये मेरे जो वंस प्लेस की जो डिजिट है वाई, वो मेरी अब क्या बन जाएगी, टेंस प्लेस की बन जाएगी डिजिट, और जो एक्स है वो आपका वंस प्लेस की डिजिट बन जाएगा। तो इससे जो मेरा रिवर्स नंबर आएगा वो क्या बन जाएगा, देखिए रिवर्स नंबर इज इक्वल्स टू, अब क्योंकि मेरा वाई जो है वो टेंस प्लेस पे है, तो इसे मैं इसे 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये 10 वाई हो जाएगा, प्लस जो वंस प्लेस पे है मेरा एक्स हो जाएगा अब, तो उसे मैं प्लस कर दूंगा। तो रिवर्स नंबर मेरा क्या हो जाएगा, 10 वाई प्लस एक्स। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ था, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, इसका मतलब जो ओरिजिनल नंबर है उसकी बात कर रहा है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, दिस नंबर लिखा हुआ था, इसका मतलब यहाँ पे ओरिजिनल नंबर हो गया 10x प्लस वाई, और क्योंकि यहाँ पे लिखा था 9 टाइम्स, तो 9 टाइम्स का मतलब हो गया कि मैं को इसे क्या करना है, 9 से मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद में लिखा है इज, इसकी जगह मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अपन हमेशा इक्वल्स टू लगाते हैं, और इसके बाद में जो भी लिखा होता है उसे अपन राइट साइड में लिखते हैं। तो यहाँ पे इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेंड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर डिजिट, मतलब रिवर्स नंबर का डबल हो गया, इसका मतलब 2 से मुझे मल्टीप्लाई करना है और रिवर्स नंबर को करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिवर्स नंबर मेरा 10y प्लस एक्स है, उसे मैंने क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, इन इक्वेशन को सॉल्व कर लेता हूँ, यहाँ से 90x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 20y प्लस 2x हो जाएगा। दोनों को इधर लेके आ जाता हूँ, तो 19x माइनस 2x प्लस 9y माइनस 20y इज इक्वल्स टू 0 हो गया। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 88x प्लस, यहाँ पे देखिए 9y माइनस 20y, तो यहाँ से माइनस का 11y आ जाएगा इक्वल्स टू 0। 11y को मैं उधर लेके जाता हूँ, तो 88x इज इक्वल्स टू 11y। यहाँ से देखिए 11 को मैं यहाँ पे डिवाइड में भेज सकता हूँ, तो 88 डिवाइड बाय 11 करेंगे तो 8 आ जाएगा, तो 8x इज इक्वल्स टू y। तो ये मेरी क्या हो गई, सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब अपन क्या कर सकते हैं, इसे अपन एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे हो जाएगा, एलिमिनेशन से जब सॉल्व करना है तो मुझे 8x माइनस y इज इक्वल्स टू 0 करना पड़ेगा। इसे अपन सेकेंड इक्वेशन बना लेते हैं। जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो अपनी क्या थी, यहाँ से x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 आई थी। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, देखिए क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9 एंड 8x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे अपन क्या कर लेंगे, क्योंकि y दोनों में इक्वल आ रहा है, इसलिए अपन यहाँ पे किसी से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों के साइन भी अलग अलग हैं, इसलिए अपन को डायरेक्टली प्लस करना है। तो इसे डायरेक्ट प्लस कर लिया अपन ने, x और 1 और यहाँ पे 8, यहाँ पे 9x हो जाएगा इज इक्वल्स टू 9। इससे मेरा x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी मेरी x की वैल्यू। अब मैं क्या करूँगा, इसे किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर लेते हैं, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, x की वैल्यू है 1, y इक्वल्स टू 9, तो y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इससे मेरे पास में x और y की वैल्यू निकल गई है। अब मुझे जो फाइंड करना था, वो फाइंड करना था नंबर क्या है। तो ओरिजिनल नंबर मेरा क्या था, 10x प्लस y मेरा ओरिजिनल नंबर था, इसमें मैं x और y दोनों की वैल्यू पुट कर देता हूँ, y की वैल्यू 8, तो इससे मेरा आ जाएगा 10 प्लस 8 दैट इज 18। ये मेरा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ये ऐसा नंबर है जिसके मैं डिजिट्स को यदि प्लस करता हूँ तो 9 भी आ जाता है, और इसे इस ओरिजिनल नंबर को मैं यदि 9 से मल्टीप्लाई करूँ, ये अपनी जो इक्वेशन थी, ये इक्वेशन को भी ये फॉलो करेगा। देखिए जो ओरिजिनल नंबर है उसे मैं 9 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास में आता है 162, और इसका जो रिवर्स नंबर है मतलब 81, उसे मैं यदि 2 से मल्टीप्लाई करूं तो भी क्या आता है, 162 आता है। तो ये मेरे दोनों इक्वेशन को वेरीफाई भी कर रहा है। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। आपको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, बट आपके पास में एग्जाम में यदि टाइम है तो आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। तो यहाँ पे क्या हो रहा है,
टोटल उसको 2000 रुपीज़ विड्रॉ करना है, जिसमें उसने बोला है कि मुझे 50 और 100 के ही नोट चाहिए। अब मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, टोटल उसको 25 नोट्स मिले हैं, तो कितने किसके कितने नोट्स मिले हैं ये अपने को फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पे अपन लेट कर लेते हैं, लेट मीना गॉट एक्स नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट एंड वाई नंबर ऑफ 100 रुपी नोट। तो यहाँ पे 50 रुपीज के उसको एक्स नोट मिले और 100 रुपीज के उसको वाई नोट मिले। अब उसको टोटल क्योंकि 25 नोट्स मिले हैं, इसका मतलब अपन ये लिख सकते हैं कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 25। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। इसके बाद में उसने बोला है कि उसको टोटल 2000 रुपीज मिले हैं। अब टोटल उसको 2000 रुपीज मिले हैं तो वो 50 और 100 से मिला के मिले होंगे। तो यदि उसे x नोट मिले हैं 50 रुपीज के, तो अपन क्या कर सकते हैं, 50 इंटू एक्स रुपीज हो जाएंगे। यहाँ पे ये देखिए ये रुपी की टर्म में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे मैं चार नोट लेके आता हूँ 50 रुपीज के, तो टोटल मुझे कितने रुपए मिलेंगे, 50 इंटू 4 करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या हुआ है, x नोट मिले हैं तो मैंने 50 इंटू एक्स कर लिया है। चलिए आगे देखते हैं, 100 रुपीज के उसको y नोट मिले हैं तो उसको टोटल रुपए कितने मिले हैं, 100 y मिले हैं और टोटल मिला के उसको 2000 रुपीज मिले हैं। तो ये मेरी क्या हो जाएगी, सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। इस इक्वेशन को मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए क्योंकि ये पूरा 50 से डिवाइड हो रहा है तो इसे मैं 50 से डिवाइड कर लेता हूँ। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 50 से डिवाइड किया तो x ही बच जाएगा, 50 से इसे डिवाइड करूंगा तो 2y आ जाएगा और 50 से इसे डिवाइड करूंगा तो 40 आ जाएगा। तो आप इससे अपनी सेकंड इक्वेशन बना सकते हैं क्योंकि ये सिंपल हो गई थोड़ी सी। और अब इन दो इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25 और x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 40। ये आपके पास में दो इक्वेशन हो गई है जिसके अंदर x के कोएफिशिएंट इक्वल पहले से आ रहे हैं, तो आपको कोई इनटू करने की जरूरत नहीं है, दोनों के साइन सेम है, इसलिए आप क्या कर लेंगे, यहाँ पे सबके साइन चेंज करेंगे। x और x कैंसिल हो जाएगा, y माइनस 2y माइनस y आ जाएगा और यहाँ से माइनस 15 निकल जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आ जाएगी 15। इसका मतलब हो गया कि 100 रुपीज़ के उसको 15 नोट्स मिल गए हैं। अब मैं क्या करूँगा, y की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर पुट कर लेता हूँ। देखिए x प्लस y इज इक्वल्स टू 25, x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 25। इससे मेरे पास में x की वैल्यू आ गई है 10। इसका मतलब 50 रुपीज़ के उसको 10 नोट्स मिले हैं और 100 रुपीज़ के उसको 15 नोट्स मिले हैं। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए पहले वाला जो क्वेश्चन था ये क्वेश्चन नंबर 4 था, इसे 4 कर देते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है। अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स्ड चार्ज फॉर अ फर्स्ट 3 डेज एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। तो यहाँ पे क्या है कि पहले कोई भी लाइब्रेरी से अपन कोई बुक लेते हैं तो उसके कुछ तो फिक्स चार्ज लगते हैं और हर एक्स्ट्रा दिन के उसे एक्स्ट्रा रुपीस देने पड़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सरिता पेड रुपीस 27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज। तो यहाँ पे अपन लेट क्या कर लेंगे, फिक्स चार्जेस को x मान लेते हैं और पर डे एक्स्ट्रा जो चार्जेस हैं उसे अपन y मान लेंगे। तो देखिए यहाँ लिख रहा हूँ मैं, लेट द फिक्स चार्जेस बी x एंड पर डे चार्ज बी y। तो देखिए, तो इसमें क्या हुआ है, फिक्स चार्जेस को मैंने x मान लिया और जो 3 दिन से आगे जितने एक्स्ट्रा दिन रहेंगे उसके उसको y रुपीस एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ये पर डे चार्जेस हैं और ये फिक्स चार्जेस हैं। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि 27 रुपीस उसने दिए हैं 7 डेज के लिए, तो उसमें उसको कुछ तो फिक्स चार्जेस देने पड़े होंगे और 7 डेज के अंदर 3 डेज के तो फिक्स चार्जेस लग गए और एक्स्ट्रा उसने 4 दिन और रहा, तो 4 दिन के उसके 4 वाई रुपीस लग जाएंगे। देखिए हर दिन का वाई रुपीस लगा तो 4 एक्स्ट्रा दिन के उसके 4 वाई रुपीस लगे और टोटल मिला के उसको टोटल कितने देने पड़े, 27 रुपीस देने पड़े। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। सेकंड इक्वेशन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, वाइल सुसी पेड रुपीस 21
फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज। तो अब यहाँ पे 5 डेज के उसे 21 रुपीज देने पड़े। तो 5 डेज के अंदर देखिए 3 डेज के तो फिक्स चार्जेस हैं, तो 3 डेज के तो एक्स रुपीज लग गए, और एक्स्ट्रा उसने 2 दिन रहा है, तो एक्स्ट्रा 2 दिन जब बुक रखी है तो उसके उसको टोटल मिला के 21 रुपीज देने पड़े। देखिए एक्स्ट्रा दिन के, हर एक्स्ट्रा दिन के Y रुपीज थे, तो 2 दिन एक्स्ट्रा रहा तो उसको वहाँ पे 2Y रुपीज देने पड़े। तो ये अपनी 2 इक्वेशन बन गई है। इन 2 इक्वेशन को अपन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए दोनों में x के कोएफिशिएंट सेम आ रहे हैं, किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, और साइन दोनों के सेम है, तो अपन को नीचे सबके साइन चेंज करने पड़ेंगे। यहाँ पे इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 4y-2y यहाँ पे 2y आ जाएगा, और यहाँ पे 27-21 यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो y इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा, 6/2 3 आ गया। मतलब अब हर एक्स्ट्रा दिन के, हर एडिशनल डे के उसको 3 रुपये देने पड़ेंगे। अब फिक्स चार्जेस भी निकाल लेते हैं, इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं अपन x प्लस 4, और y की वैल्यू मैं यहाँ पे 3 पुट कर रहा हूँ, इज इक्वल्स टू 27। एक्स प्लस 4 × 3 12 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 27। एक्स इक्वल्स टू 12 जो है ये इधर माइनस में चला जाएगा, इससे मेरी वैल्यू आ जाएगी x की 5। मतलब जो फिक्स चार्जेस हैं वो 15 रुपीज़ होते हैं, और पर डे एडिशनल चार्जेस जो लगते हैं वो 3 रुपीज़ लगते हैं। यहाँ पे अपने को यही दोनों चीज़ें पूछी थी, फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो यहाँ पे ये अपनी एक्सरसाइज ये भी कंप्लीट हो गई है, 3.4 एक्सरसाइज अपन ने कंप्लीट कर ली है। तो आज की वीडियो को अपन यहीं कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड देखेंगे और एक्सरसाइज 3.5 देखेंगे। आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे ज़रूर शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू।